बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज के न्यू लेक्चर के साथ हम अपना नेक्स्ट लेक्चर आगे स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 11 द माउंटेन एंड द स्क्वायर, उसके वर्ड मीनिंग, फिल इन द ब्लैंक और क्लॉज स्टोरी की थी। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। रिमेनिंग दो क्वेश्चन हमारे रहते हैं। एक इसमें ग्रामर पोर्शन वाला है, एडवर्ब। लैंग्वेज एंड आर्ट्स में एडवर्ब्स है। एडवर्ब्स को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। ये हमारा ग्रामर पोर्शन है, इसमें थोड़ा सा सिर्फ इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा। ऑलरेडी हमने इसको किया हुआ है। एन एडवर्ब दैट डिस्क्राइब्स अ वर्ब। एडवर्ब हम उसको कहेंगे जो हमारे वर्ब को, फेल को, काम को क्या करेगा, डिस्क्राइब करे। हमारे वर्ब को जो चीज़ डिस्क्राइब कर रही होगी उसे हम एडवर्ब कहेंगे। इसमें क्या है, इट टेल्स, ये हमें बताता है हाउ, व्हेन, वेयर और हाउ ऑफन द एक्शन शोन बाय द वर्ब हैपन्स। Many adverbs end in इसकी पहचान क्या है हमारे पास, many adverbs end in ly, जैसे आएगा loudly, daily, carefully, strictly। इसकी पहचान होगी कि उसके लास्ट में क्या होगा, जब ly होगा किसी के, उसे हम क्या कहेंगे कि ये हमारा क्या है, वर्ब है, एडवर्ब है। इसकी एग्जांपल लेते हैं हम, ही स्पोक लाउडली। She reads daily। अब यहाँ पे देखें आप, loudly के लास्ट में क्या है, ly है, ये क्या हुआ, adverb। Next हमारा daily है, ly है, ये क्या हुआ, adverb। यहाँ से हमें पहचान होगी कि ये हमारे adverbs हैं जो कि किसी verb को show कर रहे हैं, describe कर रहे हैं। He spoke loudly, वो ऊंचा बोलते हैं। इसके साथ क्या यूज होगा, हाउ, हाउ कैसे, शी रीड डेली, व्हेन, कब, कब वो रीड करती है। तो ये शो करता है, हमें बताता है कि उसने हाउ, हमने हाउ वाला सेंटेंस है, व्हेन वाला है, वेयर वाला है, हाउ ऑफन वाला है, ठीक है। तो ये था हमारा एडवर्ब। एडवर्ब मीन एन एडवर्ब दैट डिस्क्राइब द वर्ब, जो किसी वर्ब को शो करता है, डिस्क्राइब करता है, उसे हम एडवर्ब कहते हैं। मैनी एडवर्ब्स एंड इन ly, जैसे कि लाउडली, डेली, ये हमें बताते हैं कि कोई भी चीज़, एक्शन जो है वो कब हैपन्स हुए, हाउ, व्हेन, वेयर, हाउ ऑफन। तो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट, इसके रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमने सर्कल करना है, सर्कल द वर्ड एडवर्ब, सॉरी, सर्कल द एडवर्ब राइट हाउ, व्हेन, वेयर ऑन ईच लाइन। अब जो हमारे पास सेंटेंस है उसमें एडवर्ब को सर्कल करके
उसके सामने हमने लिखना है कि ये इसके साथ कौन सा जो है हमारा वर्ड ये हमें बता रहा है, हाउ बता रहा है, टेल बता रहा है, वेयर बता रहा है, व्हेन बता रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, ये पेज नंबर 78, ए पार्ट, द चाइल्ड रैन क्विकली इन द प्ले ग्राउंड। I visit my uncle weekly. Third one. The old woman walked slowly. Four one. She carefully painted her picture. Next question number 5, sentence number 5. Her tooth suddenly started hurting her. Next, I always take the bus to school.
जी। अब हमने क्या करना है, ये हमारे सेंटेंसेस हैं। शी ऑफन गेट्स हेडेक, नेक्स्ट है द डॉग बार्क लाउडली एट द स्ट्रेंजर, द कार वाज डैमेज बैडली, एंड फाइनली शी हैज मेट हर लॉस्ट ब्रदर। अब इसमें हमने क्या करना है, सर्कल द एडवर्ब्स करनी है। अब हमारे एडवर्ब्स कौन कौन से हैं, फर्स्ट वन में द चाइल्ड रैन क्विकली इन द प्लेग्राउंड। हमने एडवर्ब की पहचान पड़ी थी कि उसके लास्ट में क्या आएगा, एल वाई आएगा, तो इसमें हम किसको सर्कल करेंगे, क्विकली। ये हमारा क्या है, एडवर्ब है। नेक्स्ट है आई विजिट माय अंकल वीकली, वीकली क्या है हमारा, एडवर्ब है। थर्ड में द ओल्ड वुमेन वॉक स्लोली, स्लोली हमारा एडवर्ब। नेक्स्ट शी केयरफुली पेंटेड हर पिक्चर, इसमें एडवर्ब है carefully। Her tooth suddenly started hurting her, इसमें क्या हमारा, suddenly। I always take the bus to school, नेक्स्ट शी ऑफन गेट हेडेक, सिक्स वन में क्या आएगा, ऑलवेज एडवर्ब। शी ऑफन, ऑफन क्या हमारा, एडवर्ब। द डॉग बार्क लाउडली एट द स्ट्रेंजर, इसमें क्या आएगा, लाउडली। नेक्स्ट द कार वॉज डैमेज बैडली, बैडली क्या है हमारा, एडवर्ब है। फाइनली शी हैज मेट हर लॉस्ट ब्रदर, इसमें क्या होगा, फाइनली। अब ये तो था हमारा इसमें फर्स्ट पार्ट, सर्कल द एडवर्ब। इसके बाद हमने ये हमें बताते क्या हैं कि ये कब हुआ था, कैसे हुआ था, कहाँ पे हुआ था। दो फर्स्ट वन है द चाइल्ड रैन क्विकली, तो इसका क्या आएगा, वेयर, कहाँ। नेक्स्ट में है आई विजिट माई अंकल वीकली, इसमें आएगा वेन, कब, कब विजिट करता हूँ। नेक्स्ट है द ओल्ड वुमेन वॉक स्लोली, ये क्या टेल करते हैं, हाउ। नेक्स्ट है शी केयरफुली पेंटेड हर पिक्चर, इसका भी क्या आएगा, हाउ। नेक्स्ट है हर टूथ सडनली स्टार्टेड हर्टिंग हर, When, कब। I always take the bus to school, कब। When, she often gets headache, and the dog barked loudly at the stranger,
तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। फर्स्ट था द चाइल्ड रैन क्विकली इन द प्लेग्राउंड, क्विकली इसमें क्या था हमारा एडवर्ब एंड वेयर कहाँ पे, आई विजिट माय अंकल वीकली, वीकली इसमें एडवर्ब था और ये हमें क्या बताता है व्हेन, टेल्स करता है। द ओल्ड वुमेन वॉक स्लोली, स्लोली एडवर्ब है हाउ, शी केयरफुली पेंटेड हर पिक्चर, केयरफुली एडवर्ब है एंड हाउ, हर टूथ सडनली स्टार्टेड हर्टिंग हर, सडनली इसका एडवर्ब है एंड व्हेन, आई ऑलवेज टेक द बस टू स्कूल, ऑलवेज हमारा एडवर्ब है एंड व्हेन, शी ऑफन गेट्स हेडेक, ऑफन क्या है इसमें हमारा एडवर्ब है एंड व्हेन, द डॉग बार्क लाउडली एट द स्ट्रेंजर, लाउडली क्या है इसमें एडवर्ब है एंड हाउ, द कार वॉज डैमेज बैडली, बैडली इसमें एडवर्ब है एंड एफ हाउ, उसके बाद फाइनली शी हैज मेट हर लॉस्ट ब्रदर, फाइनली हमारा एडवर्ब है एंड व्हेन, कब मुलाकात हुई इनकी। तो ये था हमारा क्वेश्चन पेज नंबर 78 पे, क्वेश्चन नंबर ए, सर्कल द एडवर्ब एंड राइट हाउ व्हेन आर वेयर ऑन ईच लाइन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारे पास डिवेल्प एंड आउटलाइन, कुछ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ है उसके हमने आउटलाइन बनानी है, उसके अंदर हमने डिस्क्रिप्टिव वर्ड और हर सेंटेंस के अंदर एक डिस्क्रिप्टिव वर्ड यूज करने हैं। पेज नंबर 75 पे हमने आउटलाइन बनानी है। पैराग्राफ की आउटलाइन हमने बनानी है, इसमें डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स जो हैं हर सेंटेंस के अंदर हमने यूज करनी है। अब जो रेड कलर से मैं लिखूंगा वो ऑलरेडी बुक पे लिखा हुआ है, बाकी हमने इसमें खुद से राइट अप करने हैं या अपने साथ अपनी बुक्स के ऊपर भी राइट करना है। जी ये था इट वॉज आ डैश डे वी वेंट टू। अब इसमें हमने डिस्क्रिप्शन लिखनी है इसकी, इट वॉज आ सनी डे व्हेन वी वेंट टू, सी लाहौर जू,
इसमें रेड कलर में जो लिखा हुआ है ये आपकी बुक्स में लिखा हुआ है, बाकी ब्लैक वाला जो है आपने बुक्स के ऊपर राइट करना है। ये हमारा एक आउटलाइन डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ है, इसमें जो रेड वर्ड्स हैं रेड कलर में ये आपकी बुक्स पे लिखे हुए हैं, बाकी आपने अपनी बुक्स के ऊपर नोट करना है। एक स्टोरी बनाई है, डेट इट वाज अ सनी डे वी वेंट टू सी लाहौर जू, वी रीच देयर एट 12 o'clock, वी टुक टिकट्स एंड वेंट टू वर्ड्स द केजेस ऑफ मंकी, आफ्टर दैट वी सिट डाउन because we were hungry and we ate our lunch there, we also took a little rest. Shortly after that we went towards the cages of lions, we were little afraid but we enjoyed the scene very much. Finally we saw snakes and elephants, we also rode elephants, we spent a गुड टाइम देयर। इस क्वेश्चन के साथ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ, एक्सरसाइज हमारी इस चैप्टर की कंप्लीट हो गई, चैप्टर नंबर 11 की। ये जो था आप लोगों ने अपनी बुक्स के ऊपर राइट करना है जो कि ब्लैक में लिखा हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे, आज के लिए अल्लाह हाफिज़।